काला धन रखने वालों की गर्दन पर एक बार फिर से किया है केंद्र सरकार ने वार। जी हाँ दोस्तों, जो लोग सोचते थे कि मैं इस काले धन पे ऐश करूंगा, ऐशो आराम करूंगा, खूब मजे उड़ाऊंगा, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। जो लोग सोचते थे कि इस काले धन को मैं सफेद धन में अपने में कन्वर्ट कर लूंगा, अब शायद वो भी नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। और मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो काला धन को सफेद करने के जो लोग हथकंडे अपना रहे थे, शायद वो अब नहीं होगा। और बैंकों के सामने जो इतनी लंबी लंबी कतारें या इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, वो भी अब नहीं लगेगी। नमस्कार, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे जो डिस्क्रिप्शन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जब से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए हैं, तो लोग उनको बदलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए जो लाइन में लगने का एक धंधा, या बोल सकते हैं एक रोजगार शुरू हो गया है। लोग अपने बहुत से वर्कर्स लेके आते हैं, या किराए पे लोगों को लेके आते हैं और बोलते हैं लाइन में लगो, हम आपको आपके दिन का जो जितना भी मेहनताना है 200 रुपए 300 रुपए दे देंगे। उसके बदले में वो उनके 4,500 रुपए तक बदलवा लेते हैं और दोबारा भी लाइन में लग जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि जब भी कोई नोट बदलवाएगा या जमा करवाएगा, तो उसके दाएं हाथ की उंगली पर ठीक वैसा ही निशान बना दिया जाएगा जैसा हम वोट वोट करते टाइम हमारी उंगली पे बना दिया जाता है, स्याही का निशान। तो उससे क्या होगा कि एक बार किसी ने नोट बदलवा लिया, तो दोबारा लाइन में लग के जब वो दोबारा बदलवाने लगेगा, तो उसका उंगली चेक की जाएगी। अगर उंगली चेक की गई, तो मतलब कि निशान ऑलरेडी उसकी उंगली पे होगा, तो उसको नोट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आज केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो एक बार नोट बदल लेगा, उसको दोबारा लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से बयान में यही कहा गया है कि लोग एक बार नोट बदल लेते हैं और दोबारा लाइन में लग जाते हैं, जिससे जो बैंक के सामने जो लाइन है वो बहुत लंबी हो रही है। तो कुछ मायने में ये खबर जो है कुछ लोगों के लिए अच्छी भी है कि उनका जो पैसे बदलवाने के लिए नंबर जल्दी आ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि जो अपने काले पैसे को सफेद पैसा बनाने के लिए जो भाड़े पे लोग लेके आते थे, या एक बार दो बार तीन बार चार बार ऐसे लाइन में लग रहे थे, उनके लिए शायद ये बहुत बुरी खबर है। तो दोस्तों, आज से आपका जो पैसे बदलवाने आप जाओगे, शायद आपका जल्दी नंबर आ जाएगा। तो वीडियो में आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।